नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण के लिए एसआईए के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रस्ताव पास होने के बाद यह काम शुरू करा दिया जाएगा। बलराम सिंह, ADMLA, यमुना विकास प्राधिकरण। तो यहाँ होना है अधिग्रहण। नगला साहेबपुर में 15 हेक्टेयर, मुड़ेरा में 43 हेक्टेयर, बीरमपुर में 96 हेक्टेयर, दयंतपुर में 165 हेक्टेयर, करौली बांगर 183, कुरैब में 345 हेक्टेयर, रनीरा में 519 हेक्टेयर, ये यहाँ पर यह अधिग्रहण होना है नोएडा एयरपोर्ट के लिए। जमीन अधिग्रहण से पहले प्रभावित परिवारों का अध्ययन होगा। जिला प्रशासन ने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड किसानों की सहमति लेने के लिए प्रस्ताव भेजा। मंजूरी मिलते ही काम हो जाएगा शुरू। MRO सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा MRO सेंटर बनेगा। देश में अभी विमानों के मेंटेनेंस की बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर बड़ा MRO सेंटर बनाया जाएगा। देश के विमानों की अभी दूर देशों में रिपेयरिंग की जाती है, इसके बच जाने के बाद यहीं पर दोस्तों रिपेयरिंग कराई जाएगी। धन की और समय की बचत भी होगी। तो बड़ी अपडेट है। अभी जो आगे अधिग्रहण होना है 365 हेक्टेयर के लिए, तो ये नगला साहेबपुर, मुड़ेरा, बीरमपुर, दयंतपुर, करौली बांगर, कुरैब, रनेरा इत्यादि के गांव पर होना है। बड़ी अपडेट है। जेवर एयरपोर्ट का काम शुरू भी हो गया है और यहां पर विस्थापन का कार्य भी प्रगति पर चल चुका है।